Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum everyone. I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पर रिएक्ट करूंगी उसका टाइटल है सीमा हैदर एंड अंजुन इंडियन एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन. मींस आज हम ऐसी वीडियो देखेंगे जिसमें एक तरफ इंडिया की इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन होगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की. सीमा हैदर, जिसको आप सब लोग जानते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम वुमेन थी, उन्होंने हिंदू मजहब को एक्सेप्ट किया और वो भारत चली गई. और अंजुम वुमेन, जिनके बारे में मैं इतना खास नहीं जानती, पर इतना जानने को मिला है कि वो एक हिंदू वुमेन थी, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया और वो पाकिस्तान आ गई. तो वो किस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रही हैं, तो आए हम इस वीडियो में देखते हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. झंडा भी लगाया है? बिल्कुल लगाया है. मैं भारती हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी. पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद. जब से मैं आई हूँ यहाँ पे काफी पॉजिटिव और सब कुछ अच्छा लगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. दोस्तों, सीमा हैदर की कहानी आपने सुनी होगी, जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चली गई और वहाँ जाकर उसने हिंदू मजहब अपना लिया है. और रिसेंटली एक नई वीडियो आई है जिसमें सीमा हैदर वो इंडिया का जश्न आज़ादी मना रही है और इंडिया के जय हिंद के नारे लगा रही है. दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे अंजू, जो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आई है और उसने हिंदू मजहब छोड़कर मुसलमान मजहब को अपना लिया है और पाकिस्तान के अंदर वो 14 अगस्त का जश्न मना रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रही है. हम आपको दोनों वीडियोज दिखाते हैं. दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इस बारे में पूछा गया और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसके बारे में बड़ी डिटेल से आंसर दिया. ये दिखता है. झंडा भी लगाया है? बिल्कुल लगाया है. मैं भारती हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी. जी भाई, आप आगे सर से बात करें. तो आज आप भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं? बिल्कुल, अब भी बोलूंगी. भारत माता की जय, मोदी जी की जय, योगी जी की जय, मोदी जी की जय, योगी जी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद. सामने कोई भी ना आया, पीछे साइड साइड के. सामने कोई भी ना आया, पीछे साइड साइड के. और थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान में जब से आप आई हैं तो पाकिस्तान के लोग आपको कैसे लगे? जब से मैं आई हूँ यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव और सब कुछ अच्छा लगा. बहुत प्यार करते हैं इंडिया वालों को यहाँ के लोग और हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं. फेवरेट लोग भी हैं वहाँ के और इस तरीके से मैं कोई ऐसे बंधन में नहीं हूँ और बहुत अच्छी हूँ. मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आस पास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने स्कूल चलाते हैं और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है वहाँ पर नहीं वंदे मातरम गाया जाता है. जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम भी नहीं गाते हो स्कूल में, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है. और उनकी स्कूल में, कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हिंदी च नहीं पढ़ाया जाता है. और उनके कहा था ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते हैं. देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है ये जरा मुझे बताएंगे. भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या है सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता. हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है. आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं. ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में और गलत है हिंदुइज्म में भी. हिंदुइज्म में भी आपको इबादत
सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के ख़िलाफ़ है, अल्लाह सुबहाना व तआला के ख़िलाफ़ है, भगवान के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है, माइक्रोफोन ऑन कीजिए ज़रा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, सर झुका के, सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा अस्सलामुअलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो, आप समझे ना। मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ, ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत हिंदू खातून मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है, आर यू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी, सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर दी है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यक्सा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूँ इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है, ना हिंदी मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेज़ी और अरबी पर। नंबर वन अंग्रेज़ी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मजाहब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो, संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी तो छोड़ो संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है, हिंदू की जबान है संस्कृत। और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में इकसानियत, लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूँ, फिर तर्जुमा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, रेफरेंसेस देता हूँ मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है।
इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की। सबसे पहले अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूँ, आई एम अ गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन, फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूँ। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज़ फ़र्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज़ नहीं जो इस्लाम में फ़र्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन अगर टकराव होगा मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है, फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? तो ये थी वो वीडियो जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सीमा हैदर जो है वो अपनी एक सेलिब्रेशन कर रही थी, ठीक है, जय माता दी ये सब कुछ बोल रही थी, और वहाँ पे जो अंजुम थी वो एज अ पाकिस्तानी जो है वो सेलिब्रेशन कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देखिए, सीमा हैदर जो है वो इस्लाम को छोड़ आई थी पीछे और उन्होंने हिंदू मजहब को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से वो हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रही थी, ये गलत चीज़ है। देखिए, आपने अगर कोई इस्लाम छोड़ दिया है, आपने अगर कोई मजहब छोड़ दिया है या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरीके से दूसरे मजहब के बारे में बात करें। आप खुद उस मजहब में रह के आ चुकी हैं। यहाँ पर सिंपली तौर पे जो मेरी एक ऑब्जर्वेंस है वो ये है कि दो तरह के लोग जो हैं वो किसी दूसरे मजहब को एक्सेप्ट करते हैं, वो जिन्होंने अपने मजहब को पढ़ा नहीं होता, दूसरे वो जिन्होंने अपने मजहब से ज़्यादा किसी दूसरे मजहब को पढ़ लिया होता है, उन्हें वो बातें अपने मजहब में नहीं दिख रही होती अच्छी। तो सीमा हैदर के साथ आई थिंक वो सेम यही हुआ है कि उन्होंने अपने इस्लाम को इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा और फिर वो हिंदुइज्म को जाके एक्सेप्ट कर चुकी है, एक मजहब को छोड़ चुके हैं। तो क्या आप पे लाजिम है कि आप उस मजहब का मजाक उड़ाएं, आप कहें कि पाकिस्तान मुर्दाबाद इस तरीके से? तो आप लोग क्या रिव्यूज रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके साथ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।